आज आप सॉल्व कर रहे हैं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर A2 का सेक्शन ए। सेक्शन डी में यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसको हम लोग कॉमनली उसके क्वेश्चन एंड आंसर कवर कर लेंगे, तो इसलिए सेक्शन सी तक ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको डी अलग से सॉल्व करवाऊंगा। उसमें आपके कॉमन चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्ट एनर्जी। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन टू बिकम एनर्जस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल। इज टू इन्वाइट अ ब्रेक डाउन वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम प्रसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एनजाइटी एंड वरी एंड विद हीज माइंड अटरली अवेशियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरिड एंड एनजियस बट ही विल रिटेन हीज हेल्थ अ बोन विच द अदर क्विकली फॉरफेट्स। ट्रू हेल्थ एंड सक्सेस गो टूगेदर फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल बाई द पावर ऑफ फेथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर ए। तो मैं यहाँ पर सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर ए इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जो डी सेक्शन रहेगा वो आपको कॉमनली बुक चैप्टर वाइज मैं करवाऊँगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ रखा है। तो चलिए आज के अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन टू बिकम एनजियस आर एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल। इज टू इन्वाइट अ ब्रेक डाउन वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम प्रसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एनजाइटी एंड वरी एंड विद हीज माइंड अटरली ऑब्वियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरिड एंड एनजियस बट ही विल रिटेन हीज हेल्थ अ बोन विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स। ट्रू हेल्थ एंड सक्सेस गो टूगेदर फॉर दे आर इनसेपरेबली intertwined in the thought realm. By the power of faith, every enduring work is accomplished. Faith in the supreme, faith in the over ruling law, faith in your work and in your power to accomplish the work. Here is rock upon which you must build if you would stand and नॉट फॉल। अब इसकी हिंदी हम लोग समझ लेते हैं आसानी से। हिंदी क्या है वो चलिए देखते हैं।
हिंदी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे ओवरवर्क के माध्यम से टूट गए हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में ब्रेकडाउन अधिक बार मूर्खतापूर्ण रूप से बर्बाद ऊर्जा का परिणाम होता है। यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको घर्षण के बिना काम करना सीखना चाहिए। मतलब बिना कुछ ऐसा काम, हमें हमारी जो ताकत है वो भी कम लगे और काम भी हो जाना चाहिए। चिंतित या उत्साहित होना या अनावश्यक विवरणों पर चिंता करना ब्रेकडाउन को आमंत्रित करना है। मतलब अनावश्यक चिंता किसी चीज़ के बारे में, काम करना है या नहीं करना है उसकी चिंता नहीं करनी है। कार्य चाहे वह मस्तिष्क का हो या शरीर का, लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो मनुष्य स्थिर और शांत दृढ़ता के साथ काम कर सकता है, सभी चिंताओं से मुक्त हो सकता है और अपने दिमाग के साथ सभी से पूरी तरह से अनजान है, लेकिन उसके हाथ हाथ में जो काम है वह न केवल उस व्यक्ति से कहीं अधिक हासिल करेगा जो हमेशा जल्दबाजी और चिंतित रहता है। मतलब जो आराम से अपना काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, वो अपने हर एक मुकाम को उसमें सक्सेस मिलती है, लेकिन जो जल्दबाजी में रहते हैं उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। एक वरदान जो दूसरा दूसरा जल्दबाजी से जब जब्त कर लेता है। सच्ची हाथ और सफलता एक साथ चलते हैं, यानी कि सच्ची हार कह सकते हैं और सफलता दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। विश्वास की शक्ति से हर स्थायी कार्य पूरा होता है। सर्वोच्च में विश्वास, शासन करने वाली व्यवस्था में विश्वास, अपने कार्य में विश्वास और उस कार्य को पूरा करने की अपनी शक्ति में विश्वास, यहाँ वह चट्टान है जिस पर आपको निर्माण करना होगा। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप खड़े हैं और गिरते नहीं हैं, यदि आप खड़े हैं और गिरते नहीं हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द कंप्लेन ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क? लोगों को उनके काम से क्या शिकायत है? मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू द ओवरवर्क। मतलब बहुत से व्यक्ति शिकायत करते हैं कि अधिक कार्य करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट परफेक्ट हेल्थ? उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इफ वी वॉन्ट टू प्रिजर्व हेल्थ देन वी मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट वरी। यानी कि अगर हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो हमें बिना किसी चिंता के काम करना सीखना होगा। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड व्हाट शुड वी डू टू अवर्ट दिस सिचुएशन? ब्रेक डाउन के क्या कारण हैं और इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप चलिए इसका आंसर देखते हैं। द कॉजेस ऑफ ब्रेक डाउन इज टू बिकम एन एक्सेस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल। वी शुड फॉलो स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स। ब्रेकडाउन का कारण चिंतित या उत्साहित होना या अनावश्यक विवरण पर चिंता करना है। हमें मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचारों का पालन करना चाहिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हरीड एंड वरीड इफ अ मैन फॉलोज इट इट इन हिज लाइफ? यदि मनुष्य अपने जीवन में इसका साथ दे तो जल्दबाजी और चिंता का क्या प्रभाव होगा? दे हु डू देयर वर्क इन अ हरी एंड वरी दे डू नॉट सक्सेस बिकॉज देयर फेथ इज ब्रोकन। जो लोग जल्दबाजी और चिंता में अपना काम करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनका विश्वास टूट जाता है। वॉट इज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द पैसेज? मिनोरिटी। मिनोरिटी का होता है मेजोरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है,
विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिशियस, ठीक है, ऑब्लिशियस। वॉट हैपन विद अ मैन इफ द वर्ब इन द हैस्ट एंड एक्साइटमेंट, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति हैस्ट काम जल्दबाजी में करता है और उत्तेजना से करता है, तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वो उसका काम खराब। चलिए अब हम विजिट करते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और करके फिर से एक पैसेज दिया गया है। व्हेन वी वर रिच माय हस्बैंड एंड आई डिड नॉट हैव एन आवर रेस्ट, वी हैड नो टाइम टू टॉक टुगेदर, टू थिंक ऑफ आवर सॉल और टू प्रे टुगेदर, वी हैड सो मैनी केयर्स, न्यू गेस्ट कॉल्ड ऑन अस एंड सो सेंट, नाउ वी वर। सो डियर्स, अब हमारे पास है अगला, तो इसमें आपका ब्रेकडाउन सही हो जाएगा। तो चलिए विजिट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें सिक्स नंबर, अपने क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन एम्प्टी, ऑब्लिवियस, ठीक है, ऑब्लिवियस है, ऑब्लिवियस। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्प्टी, ऑब्लिवियस आपका रहेगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस विद अ मैन इफ द वर्क इन हैस्ट एंड एक्साइटमेंट, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति काम एक्साइटमेंट और जल्दबाजी में करता है, तो होगा ब्रेक डाउन, क्योंकि उसका काम खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। अगला पैसेज फिर से दिया गया है, व्हेन वी वर रिच माई हस्बैंड एंड आई डिड नॉट हैव एन आवर्स रेस्ट, वी हैड नो टाइम टू टॉक टूगेदर, टू थिंक ऑफ आवर सॉल और टू प्रे टूगेदर, वी हैड सो मैनी केयर्स, न्यू गेस्ट कॉल्ड ऑन अस एंड सो सेंट, नाउ वी वर अफ्रेड दैट अ वुल्फ वुड किल अ कोल्ड और अ कॉफ एंड नाउ दैट थीव्स माइट ड्राइव ऑफ अ हर्ड, व्हेन वी ले डाउन टू स्लीप वी वुड नॉट फॉल अस्लीप, फियरिंग लेस्ट द शीप माइट क्रश द लैम्प्स, वी वुड गेट अप इन द नाइट एंड वॉक अराउंड, आवर लाइफ हैड बिकम एक्साइटेड एंड फुल ऑफ फियर एंड एंग्जिटी एंड इनसिक्योर, नो सूनर वुड वी बी क्वाइटेड देन वी वुड हैव अ न्यू केयर हाउ टू गेट फूडर फॉर द विंटर एंड वर्स देन दैट देयर वॉज नॉट मच एग्रीमेंट बिटवीन माई हस्बैंड एंड मी, ही वुड से डिफरेंटली एंड सो वी बिगेन टू क्वारल एंड सीन आवर रिलेशन वर एट द वर्स ऑफ अ सेपरेशन और नियरली ऑलमोस्ट डाइवोर्स, बट लेटर वी रिकॉन्सिल्ड ईच अदर फीलिंग्स, दस वी लिव्ड फ्रॉम वंस केयर एंड अनदर एंड सा नो हैप्पी लाइफ, बट ओनली नाउ हैव वी फाउंड इट। इसकी हिंदी आप देख लेते हैं हम लोग, तो इसकी हिंदी है आपकी, जब आप अमीर थे तो मेरे पति और मेरे पास एक घंटे का आराम नहीं था, हमारे पास एक साथ बातें करने, अपनी आत्माओं के बारे में सोचने या एक साथ प्रार्थना करने का समय नहीं था, हमें बहुत परवाह थी, नए मेहमान थे, नए मेहमान ने हमें बुलाया और इसीलिए इसीलिए पाप किया, अब हमें डर था कि एक भेड़िया एक कोल्ट या बछड़े को मार देगा, और अब चोर एक झुंड को भगा सकते हैं, जब हम सोने के लिए लेट जाते थे तो हम सो नहीं जाते थे, यानी कि सोते नहीं थे, इस डर से कि भेड़ भेड़े भेड़
के बच्चों को कुचल जा सकती हैं। हम रात में उठते और इधर उधर घूमते, हमारा जीवन उत्साहित और भय, चिंता और असुरक्षित से भरा हो गया था। जितनी जल्दी हम शांत हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमें सर्दियों के लिए चारा प्राप्त करने के लिए एक नई देखभाल मिलेगी। और इससे भी बदतर, मेरे पति और मेरे बीच बहुत समझौता नहीं था, वह अलग तरह से कहता, और इसीलिए हम झगड़ने और पाप करने लगे। हमारे संबंध अलगाव या लगभग तलाक के कगार पर थे, लेकिन बाद में हमने एक दूसरे की भावना को सुलझा लिया। इस प्रकार हम एक देखभाल से दूसरे में रहते और कोई सुखी जीवन नहीं देखते थे, लेकिन केवल अब हमने इसे पाया है। मतलब अब हमने ये चीजें, गलतियां पता चल गई हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट केस डिड द हस्बैंड एंड वाइफ हैव? पति और पत्नी को क्या परवाह थी? दे हैड सो मैनी केस, न्यू गेस्ट कॉल्ड ऑन अस एट सो सेंट, नाउ वी वर अफ्रेड डेट वुल्फ वुड किल अ कोल्ड और कॉफ, एंड नाउ नाउ दैट थीव्स माइट ड्राइव ऑफ अ हर्ट। मतलब दे हैड सो मैनी केस, उनको बहुत सारी परवाहें थी, जैसे कि न्यू गेस्ट कॉल्ड ऑन अस, कि उनको नए जो मेहमान है वो आएंगे, एट सो सेंट, और इसी कारण वो कुछ ना कुछ कोई पाप कर दिया करते थे, नाउ वी वर अफ्रेड डेट वुल्फ वुड किल अ कोल्ड और कॉफ, और उनको ये भी परवाह थी कि जो भेड़े हैं वो कहीं उनको अपने बच्चों को कुचल ना दे, एंड नाउ दैट द थीव्स माइट ड्राइव ऑफ अ हर्ट, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके भेड़ों के झुंड को कोई चोर चुरा ना ले जाए, तो ये परवाह उनको रहती थी। व्हाट इज द राइटर्स आइडिया अबाउट द रिचेस? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब देखिए, रिचेस के बारे में क्या लेखक का क्या विचार है? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, द राइटर्स आइडिया इज मोर रिचेस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लाइफ, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है। लेखक का विचार है कि अधिक धन जीवन के लिए लाभकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर आर नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ? उनके जीवन में सुख क्यों नहीं था? व्हेन वी ले डाउन टू स्लीप वी वुड नॉट फॉल असलीप, फेयरिंग लिस्ट द शीप माइट क्रश द लैम्प, वी वुड गेट अप इन द नाइट एट वॉक अराउंड, अवर लाइफ हैड बिकम एक्साइटेड एंड फुल ऑफ फेयर एंड एनेक्सिटी एंड इनसेक्योर। मतलब वेन दे ले डाउन टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाया करते थे, हम जाते तो वी वुड नॉट फॉल असलीप, तो हमें नींद नहीं आती, फेयरिंग द लिस्ट लिस्ट द स्लीप, क्योंकि उनको डर रहता था भेड़ों का, माइट क्रश द लैम्स, कहीं उनके भेड़ों के बच्चों को भेड़े कुचल ना दे। वी वुड गेट अप इन एट द नाइट, यानी कि और वो रात में उठ जाया करते थे, एंड वॉक अराउंड, और वो घूमा करते थे इधर उधर, अवर लाइफ हैड बिकम एक्साइटेड, और इस कारण जीवन कैसे चिंता से भरा हुआ हो गया था, फुल ऑफ फेयर, और डर भी लगता था, चिंता भी होती थी, और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। फोन नंबर क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, डू यू कंसीडर दैट हिज डिक्टम इज राइटली रिमार्क्ड और नॉट, एंड इफ वाई? आती हर चीज की बुरी होती है, क्या आप मानते हैं कि उनकी उक्ति पर सही टिप्पणी की गई है या नहीं, और यदि क्यों? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ ग्रेजुअली, वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर लाइफ इन गुड वे, ऑल टाइम वी आर वरीड अबाउट द थिंग्स विच वी हैव मोर, एंड फॉर इट्स सेफ्टी इट इज करेक्ट रिमार्क। अति हर चीज की बुरी होती है, क्योंकि किसी भी चीज की अति हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, और धीरे धीरे हम अपने जीवन का आनंद अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं, हर समय उस चीज के बारे में चिंतित रहते हैं जो हमारे पास अधिक है, और उसकी सुरक्षा के लिए, यह सही टिप्पणी है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, व्हाट
व्हाट इज द वर्ड सेम इन द मीनिंग अलाइनेशन, तो अलाइनेशन का सेम मीनिंग क्या होगा, सेपरेशन। अब देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज ड्राइव ऑफ, ड्राइव ऑफ का टू लीव सम प्लेस बाय ड्राइविंग टू ड्राइव वे, यानी कि ड्राइव ऑफ मतलब किसी स्थान को छोड़कर चले जाना या कोई चीज उठा के लेकर चले जाना। व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग डिस्कॉर्ड इन द पैसेज, तो डिस्कॉर्ड का अपोजिट हो जाएगा रिकॉन्सिल। तो बस आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ये होते हैं खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।